गुड मॉर्निंग, नमस्ते, दशी दिले, सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत करते हैं जीएस प्रोमो चैनल के एक और वीडियो में। तो आज हम जानेंगे जो दुबई में जॉब करते हैं ना, स्पेशली जॉब का नाम है बरिस्टा। और इंडिया नेपाल से जब जॉब करके आते हो, जॉब के लिए आते हैं यहाँ में, तो फ्रेशर गिना जाता है। हालांकि आपने इंडिया में वही फील्ड में काम किया हो, जैसे बरिस्टा आपने इंडिया में भी किया है, बरिस्टा आपने नेपाल में भी किया है, अब तो होम कंट्री में करने के बावजूद भी यहाँ पे फ्रेशर माना जाता है। तो यहाँ में ऐसा स्पेशली क्या करना होता है आपको, तो यही चीज़ें मैं आज यहाँ पे जाके बात करते हैं। एक भैया है जो कि बरिस्टा में काम कर रहा है, ठीक है, सो उनसे पता करते हैं कि उनको क्या क्या करना पड़ता है दुबई में जो बरिस्टा का काम होता है, वो क्या क्या होता है। लेट्स नो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, कम कम इंसान। So, meet my brother from different mother. He is barista. और क्या responsible होता है दुबई में एक barista को, क्या क्या करना होता है, वो मैं भैया से जानना चाहूँगा। Are you busy? ठीक है, दो बात कर सकते हैं? पूरा fully. Thank you. तो आप मेरे viewers को पहले अपना बारे में बता दीजिए, और मुझे पता है आपका चैनल भी है, राइट? Yes. आपका चैनल भी है ना? चैनल में आप क्वेश्चन डालते हैं, गाइस जितने भी आप लोग मेरे साथ हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा उनको भी। और दूसरी बात, जो दुबई में बरिस्टा काम करता है उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबल रहता है, जैसे कि इंडिया नेपाल में जो बरिस्टा में काम किया होता है ना, उनको यहाँ में बोलते हैं फ्रेशर है, फिर भी यहाँ पर एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पर से खास क्या करता है, क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है कॉफ़ी बनाने के अलावा? कॉफ़ी बनाने के अलावा, हाँ, फर्स्ट थिंग तो कॉफ़ी का मशीन चाहिए। अच्छा से मालूम होना चाहिए मशीन का। हाँ, मशीन के बारे में पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, मशीन तो वो अरबाब लेके देगा। उसका मतलब अंदर का जो भी होता है, हाँ, पार्ट, हाँ, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ओके, उसके बाद कॉफी बीन्स का मालूम होना चाहिए। कॉफी बीन्स के बारे में पता होना चाहिए, नाम के साथ। नाम के साथ वो कौन सा वेराइटी है, ओके, और कैसे बनाएगा, और सब कितना बनाएगा, कैसे बनाएगा, आइटम्स बनाना है, किस तरह का आइटम होता है, कॉफी का नाम क्या है, और मशीन के बारे में आपको पूरा पता चल रहा है, कौन सी मशीन क्या करता है, कैसे करता है, कैसे बनाना है, इन सब के बारे में। उसके बाद कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा, मेन थिंग्स ये जो होते हैं वेलकमिंग, थैंक यू जो करता है कस्टमर को, व्यवहार पोलाइटली मैनर में होना चाहिए, राइट? उसके बाद जब आदमी लोग बारिश लोग कैश काउंटर भी हैंडलिंग करते हैं ना, अच्छा, तो कैश काउंटर में आ जाना चाहिए। हालांकि कैशियर जो कैश काउंटर हैंडल करता है वो बड़ा बड़ा कंपनी कोई कैशियर होता है, अगर नहीं होता है तो वो भी आपको हैंडल करना पड़ता है। भैया आप क्या क्या करते हैं, आपके बारे में बता दीजिए आप। यहाँ मैं तो सब कुछ करता हूँ, अकाउंटेंट भी मैं ही है। अच्छा, मतलब कैशियर का काम सब आपको संभालता है। मैं ही है, वेटर भी मैं ही है, वेटर भी आपको ही है, सब कस्टमर का आपको करता है, बारिस्टा भी मैं ही है। अच्छा, कॉफी वगैरह बनाना भी आप ही है, मैनेजर भी मैं ही है। यहाँ का मैनेज करना हो भैया खुद करते हैं, कॉफ़ी सर्व करना का वेटर काम खुद करता है, हैंडलिंग कैशियरिंग सब कुछ भैया खुद करता है, और बरिस्टा जैसे कॉफ़ी वगैरह जो भी बनाना हो भैया खुद करता है। सो भैया का जो एक स्टोर है थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, और उससे अच्छी बात ये है कि भैया का जो स्टोर के साथ में अटैच है आपका म्यूजियम, अंदर जाने के लिए टिकट लगता है, शायद मुझे नहीं लगेगा होगा, ऐसे नहीं लगेगा, हाय हाय हाय, मैं बिना टिकट का जाऊँगा। और म्यूजियम के अंदर पता है आपको बहुत सारा ऑसम चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल चीज़ हो गया, कल्चरल चीज़ हो गया, वो सब है, मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। इस कॉफी शॉप का जो ऑनर है ये अरबाब, यहाँ का कॉफी शॉप म्यूजियम का पूरा का, ये आपका गैलरी, सारा तस्वीर से यहाँ पे, ऊपर भी बन रहा है अभी, प्रिंस ऑफ दुबई, शेख हमदान, ये मैन्युफैक्चर होता है, ये मैन्युफैक्चर दुबई में होता है, ये गोल्ड का है, ये चांदी का है, मतलब सिल्वर का है, ये गोल्ड है, डिजाइन्स अंदर में जो डाला ना वो गोल्ड का, ये एंटिक, मतलब यानी कि ओल्ड है, ओके, एंटिक है, एंटिक बहुत ही पुराना जमाना का है, अभी कब का है शायद, बहुत पुराना। और ये है दागर, यहाँ देख सकते हैं आपको दागर, यहाँ पे लिखा है ना लावेंचन दागर, सऊदी अरबियन दागर, ओमन अवर दागर, एमन दागर, ये सब दागर है।
जैसे नेपाली का खुकुरी होता ना उस तरह का एंटीक बॉक्स है, अंदर कुछ भी नहीं, खाली पहले पहले का बॉक्स तिजोरी रखने का। पहले पहले जमाना कैसा होता था, इतना सुंदर सुंदर है, मस्त है, बढ़िया बढ़िया नाइफ और पार कर सकते जब पहले कुल्हाड़ी पहले दागर बनाते थे इसे। हाँ पहले जमाने में देखो दागर कैसे बनाते थे उस वक्त का तस्वीर है, दागर बनाने का ये राइनो सहान है। हाँ राइनो बहुत स्किन है ऊपर, बहुत हो गया इधर गन हो गया। ये गन तो आजकल भी यूज करता है अरुणाचल में। गन है ये जमाना है बहुत पुराना है। ये चीजें जो है ना तो ये सब है दागर बनाता मतलब नाइफ बनाता है, ये सब नाइफ बनाने क्या क्या चीजें चाहिए बोले सब चाहिए, वो उस जमाना है बहुत पुराना। गेस्ट के लिए तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं, वही तो आपको दिखाने के लिए आया। चलो चलो देखते हैं फटाफट। ओके अभी भैया बना रहा है टर्किश कॉफ़ी, दुबई में आपको कॉफ़ी बनाना है ना टर्किश कॉफ़ी, तो क्या क्या चाहिए नाम? कॉफ़ी पाउडर, टर्किश कॉफी पाउडर। ओके दो स्पून डालो, दो स्पून। ओके कस्टमर पूछते विच शुगर उदाउट शुगर, तो अब बनाने से पहले कस्टमर से पूछ लेना चाहिए कि शुगर डालना है या नहीं, विच शुगर और विदाउट शुगर। पाँच डाल दिए, उसके बाद इसका स्टैंड लेगा। ओके ठीक है, स्टैंड लेके फाड़ देगा। ओ क्या बात है, अभी इसको अच्छा से मिक्स करना पड़ेगा ऊपर रख के। अच्छा फुल प्रोसेस देख लिया कॉफ़ी बनाने से लेके कस्टमर को सर्व करने का, ठीक है। ये था कौन सा कॉफ़ी, इसका नाम हाफिस, ये टर्किश कॉफ़ी बनाया, ठीक है। अभी दूसरा जो कॉफ़ी बनाएगा फिर से मैं बना के दिखाएगा आपको। ओके वेयर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम चाइना। इफ इट नो प्रॉब्लम शूटिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। या व्हाट्स योर गुड नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम या योजू, योजू आई हैव अ सीट प्लीज। दिस इज माय, या वाओ आई थॉट आई कैन आई लाइक all my friending. No worries. Yeah, you can. So here is the dates. First, eat dates. Keep it on inside the mouth and drink the coffee. So. Can you hold for one second? I'll call my friend. Sure. It's hard to show them this as well. सर दुबई में काम करने के लिए सिर्फ आपको क्या कहते हैं ये कॉफ़ी का नॉलेज नहीं बल्कि कस्टमर को किस तरह से प्रेजेंट करना है ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि कस्टमर को नहीं पता है ये अरबी कॉफ़ी क्या होता है क्योंकि ये चाइना से आया है और ये कॉफ़ी इतना महंगा है, प्लस आप देख सकते हैं वहाँ में खाने का डाइट्स वगैरह भी दिया है राइट, तो आपको ये चीज़ें भी कस्टमर को बताना होगा कि इसको खाना ऐसा है इस तरह से करना है कि नहीं। तो वो गई अपने दोस्त को बुलाएगा, बोला और भी दोस्त लोग बोला सब अपना सामान रखे हो गया शायद आएगा अभी, और मैंने उसका इंट्रो भी ले लिया चाइना से बताया, उसका नाम भी बताया आपने सुन लिया होगा। चलो कैपेचिनो कैसे बनाता है वो देखते हैं अभी। चलिए हम लोग स्पेशलिटी कॉफ़ी, स्पेशलिटी कॉफ़ी का ऑलवेज दो इसका लेना चाहिए। अच्छा एक तो ये है वाटर प्रूफ, ये इसमें लेगा
तो इसमें कॉफी का वेट करना पड़ेगा. ओके. सो आपका ये बर्ता फिल्टर बोलता है और ये बास्केट है. ओके. ठीक है. ये ऑलवेज क्लीन होना चाहिए. ओके. साफ होना चाहिए. साफ होना चाहिए. तो ये 00 आ गया ना. हाँ. ओके. तो फिर कॉफी ग्रैंड हो गया. ये कौन सा कॉफी है? ये ब्राज़ील बीन्स है. ब्राज़ील बीन्स. हाँ. लेकिन ये मीडियम रोस्ट है और हम लोग ऑलवेज 20 ग्राम यूज करते हैं. ओके. इसको बोलता है OCD. OCD मतलब ये टेम्परेरी में पड़ता है. okay. लेकिन इसको लेबल मिलाने का बहुत काम करता है. ओके. तो इसको बोलता है टेम्पर. टेम्पर. हाँ. इसमें होता है 20 kg. कमर्शियल में 20 kg प्रेस करते तो हम लोग 7 kg प्रेस करते हैं. ओके. जब कॉफ़ी बनाने से पहले एक बार फ्लैश कर लें, क्योंकि इसका ये जो फिल्टर होता है अंदर का, उसमें ये होता है, क्या बोलते हैं, कुछ कॉफ़ी रह जाता है. तो ये साफ हो जाएगा. जब भी प्रेस करेगा ये बास्केट अंदर डालेगा, ये जल्दी करना चाहिए. अच्छा. थोड़े से फूड तक होना चाहिए. हाँ, मतलब कैपेचिनो के लिए. हाँ, कैपेचिनो, लाते. ओके. लाते, एस्प्रेसो, सब कुछ के लिए. ओके. लेकिन हमारे क्या होता है नेपाल और इंडिया में मालूम नहीं होता है. ओके. इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था. वो लोग बारिश्ता सीखता है. ओके. फिर भी वो लोग कमर्शियल है, कमर्शियल इधर बोलता है फ्रेश है. ओके. ये वजह है. अच्छा. फ्रेश है बोलने का मतलब इसका टेस्ट और क्रीम है. ओके. ओके. ये बात है. सो this is how make cappuccino, right? Ah, cappuccino, latte, flat white. और एक तो हमारे देश में इधर का जैसा मशीन नहीं होता है. हाँ, वो तो है. इधर का मशीन ही अलग है. और जब भी स्टीम करेगा मिल्क, ये परफेक्ट होना चाहिए. बबल स्टीम में अच्छा होना चाहिए. हाँ, नहीं तो फिर क्या है, वो टेस्ट में अलग हो जाएगा. मिल्क फार्म देखिए. ये हो आपका मिल्क दूध. लेकिन मैं आज बहुत कॉफ़ी पी के मेरा हाथ शेकिंग हो रहा है. कितना शेक हो रहा था जैसे दारू पी के आया हो कल. क्योंकि मैं आज मेरा मशीन थोड़ा खराब हो गया था. बताओ भैया, ड्रिंक नहीं करता वैसे तो. मैं ऐसे ही बता दिया, मजाक किया हूँ. ये आपका कैपेचिनो बन रहा है. कैपेचिनो, कैपेचिनो, कैपेचिनो. माशाल्लाह. इसको बोलते हैं फ्लावर्स. ऑसम लुक्स. व्हिच डू यू ऑर्डर? लाटे. इट्स कैपेचिनो. Did you try it before this one? Yeah. I think yeah. It tastes some sort of spice in it. It's not like, it doesn't taste the same as like regular coffee. Yes. Yeah, because this is, you know, we roast it is Arabic oil. Oh. And inside is cardamom. I think spice. Therefore he told you like this is traditional coffee. Yeah. It's something different from the regular coffee. I meant to have some, you know, like coffee different from the usual standard. But this is single origin and green beans is from the Ethiopians. Oh. But if you know, is using the black coffee, Ethiopian bean, it's really good. Instead of having coffee, she's only using the nuts. So okay, so this is for me, right? Yeah. Okay, thank you. Let 1,000 me try. 1,000 subscribe per party. Yes. So 1,000 subscribe होने का खुशी में कॉफी मैं किसी और को नहीं पिला रहा, खुद ही पी रहा हूँ. So selfish. मजा क्या अभी होता है छोटा सा पार्टी. डेफिनेटली थैंक यू आप सबके लिए 1,000 सब्सक्राइबर पहुंचाने के लिए और इतना मोटिवेट कराने के लिए. थैंक यू. आप लोग के लिए मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा अच्छा लेकर आऊँगा ज़रूर. आप लोग कमेंट करके बताओ क्या देखना चाहते हैं दुबई का. लोग जॉब के बारे में देखना चाहते हैं, क्योंकि जॉब के बारे में वीडियो बनाने वाला कमी नहीं है, बहुत लोग हैं. सही इन्फॉर्मेशन देने क्या क्या काम करना पड़ता है वो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें. हाँ, यदि आपको बरिश्ता के बारे में जानकारी लेना है, चाहे वो जॉब्स के रिलेटेड हो, चाहे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रिलेटेड हो, तो भैया का चैनल में विजिट करो. मैं लिंक भी दे दूंगा, ठीक है. भैया का वहाँ सब्सक्राइब करने के बाद आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. भैया फ्रेशर है, आप लोग सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली वो भी एक दिन 1,000 सब्सक्राइबर बचेगा और भैया 1,000 है 100 पहुँचना बाकी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. सो गाइस,
I'm going to have now this one. Oh, I'm sorry. No, pakad nito. Is this recipe now? Huh. Okay, thank you very much. So guys, आज का वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको दे सकता हूँ और बाकी के लिए आप बने रहिए, ठीक है। आज बरिस्टा का इन्फॉर्मेशन और बरिस्टा का यहाँ में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है वो सब दिखाया है, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो भैया का चैनल में विजिट करो। और भी कुछ आप जॉब के रिलेटेड जानना चाहो या दुबई का इन्फॉर्मेशन जानना चाहो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।